सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अभी ये रेजिस्टेंस एक आर वन एक आर टू, बस दो ही बहुत है। अभी ये मैंने कहा भाई साहब यहाँ पर ये बैटरी लगा दी गई है, ये आर वन आर टू हैं, बैटरी का ईएमएफ ई है, इसके इक्विवेलेंट मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज़ करना चाहता हूँ आर वन आर टू की जगह, इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट मुझे चाहिए। शो दैट, क्या शो करना है? आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आर वन प्लस आर टू के बराबर आएगी। शो करो, कैसे शो करें? हैं, एन इंटू आर। तुम यार अजीब अजीब बातें बोलते हो तुम, इसका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कुछ भी बोलता रहता है। एन इंटू आर। अब अगर ये दोनों इस सर्किट इक्विवेलेंट हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका भाई साहब एक पीली चौक चाहिए पड़ती है। अभी इसमें करंट अगर मान लो आई फ्लो कर रही है, तो इसमें भी कितनी करंट फ्लो करना चाहिए? आई। तो आप इस वाले सर्किट से आई की वैल्यू बताओ, मैं यहाँ से बता देता हूँ। तो मैं इस वाले सर्किट से आई की वैल्यू बता रहा हूँ, ई अपॉन आर इक्विवेलेंट आएगा। आप उस वाले सर्किट से आई की वैल्यू कैसे बताओगे? कैसे बताओगे आप? आपको पता है ना, आप चक्कर लगाना जानते हो ना, इसमें करंट ऐसे बहेगी विकास, और इसमें ऐसे बहेगी, समझ रहे हो? इसका प्लस माइनस तो चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे लगाया जाएगा। बड़े वाले डंडे को प्लस, छोटे वाले को, और रेजिस्टेंस में प्लस किधर लगेगा विकास? इस साइड। पक्का? तो अभी इसमें प्लस माइनस लगाओ, आके जल्दी आओ, दौड़ के आओ। इक्वेशन लिखो वी ए, नीचे लिखो, वहाँ भटक जाएगा मामला। अरे अरे तुम यार हाथ पैर मत चलाया कर, जाएगा यहाँ से लिखो, इधर से वी ए, आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। अबे इक्वल टू कहाँ से आ गया? बी ए से आगे बढ़ो, इधर कोई बढ़वा ही नहीं रहा, उसको बोल रहा फंस गए तुम अकेले लगे रहो। प्लस कहाँ से आगे यार? बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, माइनस ही है कि प्लस ही है यार? प्लस ही, शाबाश। आगे बढ़ो बे, खत्म कहाँ हुआ अभी? ए तक जाओ, सही। वी ए से बस जाओ, धन्यवाद, विकास हो गया है तुम्हारा। वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू, आपको दिख रहा होगा ये आई आर वन प्लस आई आर टू, ये लाइन लिखने में, इस वाली लाइन को लिखने में किसी को दिक्कत है? निक सादिक, सादिक को तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। आई की वैल्यू यहाँ से क्या बताओगे? ई अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब आप अगर कंपैरिजन करोगे तो यहाँ आर वन प्लस आर टू है, यहाँ क्या है? तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या बताने वाले हो? आर वन प्लस आर टू के बराबर। ठीक है आंसर, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन था? सीरीज में क्या खास बात है? करंट सेम होती है। अच्छा, और अच्छा आप बताना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है जी? पैरेलल कॉम्बिनेशन किस काम में आता है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ना घड़ी में, वायरिंग में, घर में जो वायरिंग होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है ना? ठीक है,
टू इक्विवेलेंट लिखेंगे, बिल्कुल सही। चलिए अब आप बताइएगा, ये एक बैटरी है और यहाँ पर मैंने आपको दो रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, आर वन एंड दूसरा आर टू। ये ई एम एफ ई है और इसके इक्विवेलेंट में एक रेजिस्टेंस यूज करना चाहता हूँ, आर इक्विवेलेंट। तो मुझे जल्दी से बताओ कि आर इक्विवेलेंट और आर वन आर टू में क्या रिलेशन आएगा? आर थ्री है ही नहीं, जबरदस्ती आर थ्री। कैसे आएगा ये, कर दो जल्दी से। हाँ बढ़ जाएगी। अच्छा ये बताओ, अभी मान लो यहाँ से करंट आई, आई तो यहाँ से कितनी आई, आई यहाँ पर चली गई, मान लो आई वन, तो यहाँ पर कितनी चली गई, आई टू। और यहाँ पर भी सेम करंट आनी चाहिए ना, हाँ यहाँ पर भी सेम करंट आनी चाहिए। तो अब जल्दी से एक काम करो, विकास तो चला गया है, विकास तुम्हारी बहुत आवश्यकता हो रही है वहाँ पर श्रीलंका में, हाँ वो बुला रहे हैं तुमको कि विकास को भेजो हमारे यहाँ, बहुत वहाँ पर दिक्कत हो गई है। चलो एक चक्कर लगाओ, जल्दी से आई वन की वैल्यू बताओ, फिर आई टू की वैल्यू बताना। यहाँ से आई की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, आई इज इक्वल टू आएगा ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब आप यहां से एक चक्कर लगा के आई वन की वैल्यू बताओ, आई वन की वैल्यू बताओ ई बाई, सही तो बताए थे तुम, वी तो है ही नहीं इसमें कोई, ई बाई आर वन। कैसे बताए, हम तो ऐसे बताए थे, देखो हमारा दिमाग खराब ना करना, हमारा समझो। अंजू कैसे बताए यार, सादिक तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? सॉल्व कर लिए सर, लो सॉल्व भी कर लिए, सब लोग सॉल्व कर लिए, हम ही लोग बैठे हुए। चलो एक चक्कर लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, अभी ए से चक्कर लगाएंगे, देख लो चक्कर कैसे लगा रहा हूँ मैं, बाद में मत बोलना कैसे चक्कर लगाए, ठीक है? ध्यान से देख लो, मैं इस रास्ते से चलूँगा, इस रास्ते से चल के ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे ऐसे, अरे आ जाओ वापस ए पर आऊँगा, चक्कर दिख गया सबको, ऐसे घूम के आऊँगा यहाँ से। चलो ए से चलेंगे, सब बताना मुझे, वी ए 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 माइनस आई वन आर वन, आगे बढ़ो 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 बढ़ो, प्लस ई इज इक्वल टू वी ए। तो मुझे आई वन मिल चुका है, आई वन की वैल्यू मुझे मिल चुकी है ई अपॉन आर वन। अब मैंने कहा एक चक्कर और लगाएंगे तो आई टू आ जाएगा, इस बार चक्कर कहाँ से लगाया जाए, नीचे से चक्कर लगाएं। चलो इस बार चक्कर ऐसे लगाएंगे, यहाँ से बाहर बाहर लगा लें, चलो लगवाओ चक्कर, ऐसे चलवाओ, वी ए माइनस, यहाँ करंट ऐसे जाएगी तो आई टू आर टू इज प्लस ई इज इक्वल टू वी ए, वी ए वी ए गए हो, आई टू कितना आ गया, ई बाई आर टू आ गया। अब हमें पता है कि आई करंट दो हिस्सों में बटी थी, आई वन प्लस आई टू में, तो क्या मैं आई की वैल्यू नहीं लिख सकता हूँ? तो मैंने लिखा आई इज इक्वल टू आएगा आई वन प्लस आई टू, आई वन की वैल्यू ई बाई आर वन प्लस ई बाई आर टू, और यहाँ से आई की वैल्यू क्या है, ई बाई आर इक्विवेलेंट। तो अभी वन अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, समझ गए?
चलो ठीक है, तो पैरेलल और सीरीज में कॉम्बिनेशन में जोड़ लेंगे सर, दोनों एंड के बीच भी सेम। हाँ बिल्कुल सही, से सॉल्व करके, सही बात, दो चक्कर लगा लेंगे, ये भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो अब मैं हटाऊँ इनको। चलो सीरीज वाला सबको याद है, चलो अच्छा है। ठीक है, चलो अब मुझे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताना। अब बताओ ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? दोनों में है ना, तो सीरीज है प्योर, ना ही प्योर पैरेलल है। तो अब मुझे ये बताओ, सॉल्व, कुछ लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं, इज राइट आंसर। तो पहले किसे सॉल्व किया जाए? टाइम दो, हो गया आंसर बताओ भाई। एक आंसर, दो आंसर, दो लोगों के सही आंसर। विश्वजीत शाह का आंसर सही, अग्रिमा का सही, बढ़िया, रोजे का सही। संजय सुमन राइट, एट इज रॉन्ग आंसर। आनंद विवेक देवनाथ करेक्ट, रश्मि साहू एंड रश्मि रश्मि राठी, तुम्हारा आंसर क्या है? टू ओम, वेरी गुड। टू आंसर है, दो कैसे आ गया? अच्छा आप सुनो, पहले आप देख लो, रुबाब फैजी आकांक्षा, ठीक, बढ़िया। अच्छा सुन लो, हेलो रिजवान, एक रिजवान और भी, कहाँ गया वो? ये बैठा है, इसका नाम परवेज है। रिजवान एक तुम हो और एक रिजवान और कौन? ऑनलाइन है, अच्छा। और परवेज को क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, तो आंसर क्या है? दो, सुन के पूछ रहे, पीछे वाले से पूछ के। अच्छा देखो, इधर सुन लो पहले, अभी देखो क्या है कि सबसे पहले आपको इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। ये बात आपको दिखाई दे रही है विकास हंसा? पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा है? देखो ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये है क्या है? है? ये बोल रहे कलयुग है। देखो पहले काम क्या है, हेलो तुम्हारा दो नहीं आया आंसर, आठ में चार से डिवाइड कर लो, आ गया, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, और इन दोनों का अभी पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट आता था वो कितना आता था? वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। नहीं ये तो ठीक है, मेरे को इससे क्या, देखना आप समझना मेरी बात, आप समझ रहे हैं? वन अपॉन आर इक्विवेलेंट पैरेलल में लगता था वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, तो इसका R इक्विवेलेंट जो बनेगा वो बनेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ तक क्लियर है बात? 100%। तो सबसे पहले इतने पार्ट को सॉल्व करोगे, फिर ये एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाओगे, फिर इसको इसके साथ सॉल्व करोगे, फिर ये पूरा एक सिंगल बनेगा, फिर इसको इसके साथ सॉल्व करोगे, वन बाई वन स्टेप लेना होगा,
ठीक है। ये स्टेप आप लेने में किसी को दिक्कत है कि यार पहले इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर ले तो कोई गड़बड़ है क्या? हेलो, अरे अगर 2 ओम को और 4 ओम क्या पैरेलल में है? नहीं है, सीरीज में भी नहीं है, पैरेलल में भी नहीं है। ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है, इसलिए 2 ओम को 4 ओम के साथ पहले से पैरेलल में सॉल्व नहीं कर सकते। क्या ये 2 ओम और 3 ओम सीरीज में है? नहीं है। ये 2 ओम और 3 ओम सीरीज में है? नहीं है, नहीं है। तो इन दोनों को भी नहीं सॉल्व कर सकते। क्या ये 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है? हैं? नहीं है, हैं? ये नहीं है करते करते हैं करने लगती है ये। जैसे मैंने बोला है, बोला है। तो 3 और 6 कैसे हैं? तो इनका इक्विवेलेंट मैं लिखूंगा 3 × 6 / 3 + 6 = 2। 3 × 6 / 3 + 6 = 18 / 9 = 2। ठीक है। तो अब मेरा सर्किट सिंप्लीफाइड होगा। ये 2 ओम शांति बनाए रखे हैं, ये कोई वो नहीं है श्रीलंका जो आप लोग चाहे कहीं भी चिल्लाए पड़े हुए हैं। ये 2 ओम, अब ये आ गया आपके पास 4 ओम। अब बताओ क्या ये 2 ओम 4 ओम के साथ पैरेलल में है? सादिक नहीं। क्या ये 2 ओम इसके साथ पैरेलल में है? नहीं। क्या ये दोनों आपस में सीरीज में है? हैं। तो 2 और 2 मिला के, तो अभी आप इसको बना दोगे ये 4 ओम का रेजिस्टेंस और फिर ये 4 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये दोनों 4 और 4 पैरेलल में है, इनका आर इक्विवेलेंट लिखोगे तो 4 × 4 / 4 = 4 / 2 = 4/2। हाँ, तो आंसर ही बताना होता तो मेरे को तो पहले से पता था 2 डायरेक्ट। ठीक है, तो अभी रिजल्टेंट कितना आ गया? क्या बात है, अरे आ जाएगा। ठीक है, और करूं? सबका आंसर आ गया सर, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का करंट पर क्या इम्पैक्ट है? सैयद रिजवान, सीरीज और पैरेलल का करंट पर क्या इम्पैक्ट है? हमको क्या पता है यार, जिस पर इम्पैक्ट हुआ है वही बताएगा, है कि नहीं है? सीरीज में करंट क्या रहेगी और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। बस अभी तो और करेंगे, अभी घबराओ मत। चलो एक और कर लो, ये वाला हो गया सबको क्लियर। अभी इम्पैक्ट आ जाएगा, चिंता मत करो, है ना? इम्पैक्ट आएगा फिर बर्दाश्त ना होगा। चलो आ जाओ, ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताओ। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, 2 इज राइट। अब वहां बनाए रखेंगे कैमरा, सवाल के ऊपर कैमरा बनाए रखेंगे। कितना आ गया भाई? 2-2 या केवल 2? 2। आन्या, तुम्हारा आंसर क्या है? निकाल। आनंद 2, संजय सुमन 1 1 2 2 1 2 2 4 4 4 2 2 2 1 1 2 इज रॉन्ग आंसर, 1 इज राइट आंसर।
आंसर वन ओम आ रहा है, दो ओम नहीं आ रहा है, तुमने तो पहले ही बता दिया था। अरे हमने नहीं बताया, बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर। तो तुम्हारा आंसर बताओ कितना आया, तो करो। कितना आंसर आ रहा है, वन? पक्का? तुम्हारे पड़ोसी का वन, इधर वाले का? तुम्हारे ऊपर दो लोगों की जिम्मेदारी है, अगल बगल दोनों तरफ संभाल के रखिए। नहीं आया वन? नहीं। अच्छा ये बताओ, अभी ये दोनों सादिक हुआ गरीब आदमी, ये दोनों सीरीज में देख रहे हैं क्या? दो और दो कितना हुआ? और ये दो और दो? पक्का? तो अब जो सर्किट का अगला सिंपलीफाइड रूप है वो ये है, ये सब पैरेलल में है, ये चार, ये दो और ये चार, तो अब इन तीनों का इक्विवेलेंट हाँ वन आएगा। तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर इज इक्वल टू वन वन, तो आर इक्विवेलेंट इज वन। ओ मुश्किल है क्या? हाँ मुश्किल। और ठीक है, एक और करें, कर लिए। ये ए, ये बी, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर हैज रेजिस्टेंस आर ओम, फाइंड आर ए बी, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना। थ्री आर इज रॉन्ग आंसर, फोर आर इज मोर रॉन्ग आंसर, फाइव आर इज मोर रॉन्ग। सॉल्व किया करो, तुम ऐसे टाइम पास करते रहते हो। टू आर इज रॉन्ग, आर इज रॉन्ग, थ्री तो ऊपर वाले पार्ट का है, टू बाई थ्री इज रॉन्ग आंसर, वन इज रॉन्ग आंसर, थ्री बाई फोर इज राइट आंसर। अभिनव, संजय, विश्वजीत, विवेक देवनाथ, रुबाब फैजी। भैया ना हो रही है यार, ठीक है। अब देखिएगा, बिल्कुल सही चल रहा है। अग्रिमा, हिमांशी, एवरीवन, सब सही। ये आर है, ये आर है, ये आर है, और ये भी आर है। तो ऊपर वाला एक सीरीज है, वो कितना हो गया? तो आप कहोगे यार ऊपर से एक रेजिस्टेंस बन के लगा सकते हो थ्री आर का, और एक रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में आर का भी है, तो इक्विवेलेंट कैसे बताओगे? नहीं, ये सीरीज टर्मिनल ये है ए और दूसरा टर्मिनल बी, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस ये आया और एक रेजिस्टेंस पूरा ये आया। तो अभी आर इक्विवेलेंट कितना बताओगे, जल्दी बताओ? आर इंटू थ्री आर डिवाइडेड बाय आर प्लस थ्री आर, ठीक है। तो कितना आ गया ये, थ्री बाई फोर आर, डन।